5 मिनट्स कोडिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा नोडमॉन क्या है। तो नोडमॉन एक टूल और पैकेज है जो Node.js एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है। तो जब भी हम Node.js एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तब हम एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के बाद हमें उसे रन करने के लिए टर्मिनल पे जाके हमें बार बार नोड फिर एप्लीकेशन का नाम ऐसे लिख के हमें रन करना पड़ता है। तो जितनी भी बार हम चेंजेस करते हैं, तो हमें बार बार उसे रन करना पड़ता है। तो नोडमॉन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि नोडमॉन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है और यहाँ से हम VS कोड ओपन करते हैं। इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर कोड लिख के एंटर करना है। यहाँ पर VS कोड ओपन हो चुका है और जो भी हमने लास्ट एप्लीकेशन बनाई थी वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गई। यहाँ से हम फाइल मेनू में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम दे देते हैं नोडमॉन एग्जांपल और उसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नोडमॉन एग्जांपल फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट फाइल हम app.js के नाम से बनाते हैं और यहाँ पर हम सिंपल मैसेज प्रिंट करते हैं console.log और यहाँ पर हम मैसेज लिखते हैं हेलो नोडमॉन और उसको सेव करके यहाँ से टर्मिनल में जाके हम उसको नोड कमांड की मदद से रन करते हैं। नोड फिर एप्लीकेशन का नाम app.js, तो आप देख सकते हो हेलो नोडमॉन यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा। फिर मैं यहाँ पर दूसरा मैसेज प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ से फाइल में जाके मैं उसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन रिस्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमें फिर से उसको यहाँ पर कमांड देके node.app.js कमांड देके फिर से रन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो नोडमॉन और हेलो वर्ल्ड दो मैसेज प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जब भी कोई चेंजेस करूँ तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होना चाहिए। तो ये काम करने के लिए हमें नोडमॉन पैकेज मदद करता है। तो Node.js एप्लीकेशन में हम जो भी पैकेजेस और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ पर जाती है, package.json फाइल में। तो हमें package.json फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं npm init, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर पैकेज का नाम पूछ रहा है तो हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ वर्जन भी डिफॉल्ट, डिस्क्रिप्शन भी डिफॉल्ट, एंट्री पॉइंट हमें app.js रखना है, टेस्ट कमांड git repository keywords डिफॉल्ट रखना है और ऑथर में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 minutes coding, license भी default और ये finally पूछता है इस दिशा की, यहाँ पर मैं yes दे देता हूँ। पर यहाँ पर आप देख सकते हो package.json फाइल हमारा create हो चुका है। हमने जो भी पैरामीटर यहाँ से पास किए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोडमॉन पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कमांड टाइप करेंगे npm, यहाँ पर i और इंस्टॉल दोनों का आप यूज कर सकते हो। और नोडमॉन में यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसके लिए -g और पैकेज का नाम नोडमॉन। अगर आप नोडमॉन ग्लोबली इंस्टॉल करते हो तो आपको वो पैकेज हर एक एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, पर उसका यूज आप अलग अलग एप्लीकेशन में कर सकते हो। ये कमांड लिखने के बाद मैं जब भी एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो नोडमॉन पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है, वो आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने ग्लोबली नोडमॉन को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नोडमॉन लिखता हूँ, एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पर दो मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, हेलो नोडमॉन हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर तीसरा मैसेज प्रिंट करता हूँ console.log nodemon is working और यहाँ पर फाइल मेनू में जाकर सेव पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रही है। तो नोडमॉन पैकेज इंस्टॉल करके हम इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं।